हेलो फ्रेंड, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारस में। व्यूअर्स, अगर आप माइंड ब्लोइंग क्राइम सस्पेंस थ्रिल मूवीज देखने के शौकीन हैं तो हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की बेहतरीन अंडररेटेड माइंड ब्लोइंग क्राइम थ्रिल मूवीज की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये 8 मूवीज कौन सी है, कब रिलीज हुई, क्या स्टार कास्ट है, क्या स्टोरी लाइन है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ मेहसान स्टारस को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो और हमारी आज की वीडियो के काउंटडाउन में नंबर 8 पर रहने वाली फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। फिल्म के लीड कास्ट में इरफान खान, प्रीति कुल्हारी, दिव्या दत्ता और अरुण अडे सिंह शामिल थे। हिंदी लैंग्वेज की मूवी 6 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और ये एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिल मूवी है जिसे IMDb 10 में से 7.1 स्टार दिए गए हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस फिल्म की कहानी में एक देव नाम का एक लविंग हस्बैंड होता है जो कि अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए एक दिन घर पर जल्दी आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी घर पर अकेली नहीं है, उसका लवर भी उसके साथ है। तो वो हस्बैंड, उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक, उसके लवर को मार दे, दूसरा ऑप्शन अपनी बीवी को मार दे और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि इन दोनों को ब्लैकमेल करे। तो हस्बैंड तीसरा रास्ता पकड़ता है और अपनी बीवी और उसके लवर को ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है। आगे कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, एक बेहतरीन मूवी है जिसमें आपको एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिल के साथ ब्लैक कॉमेडी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और अगर आप इस फिल्म को देखने के इंटरेस्टेड हैं तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली Amazon Prime Video पर देखने को मिलेगी। और अगर आप इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो YouTube पर भी ब्लैकमेल सर्च करेंगे तो YouTube पर ये बिल्कुल फ्री में भी आपको देखने को मिल सकेगी। और हमारी आज की वीडियो के काउंटडाउन में नंबर 7 पर रहने वाली फिल्म का नाम है 404 एरर नॉट फाउंड। इस फिल्म के लीड कास्ट में इमाद शाह, निशिकांत कामत, राजीव अरोरा, टिस्का चोपड़ा और सतीश कौशिक शामिल थे। और हिंदी लैंग्वेज की यह मूवी 20 मई 2011 को रिलीज हुई और ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.3 स्टार दिए गए थे। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी एक मेडिकल कॉलेज की है जहां पर एक कमरा भूतिया बोलकर बंद कर दिया जाता है क्योंकि इस कमरे में एक स्टूडेंट ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर दी होती है। फिर एंट्री होती है फिल्म में अभिमन्यु की, जो कि इस कॉलेज में सबसे लड़कर इस कमरे में रहने की जिद करता है ताकि भूत भूत कुछ नहीं होता ये साबित कर पाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अभिमन्यु को एहसास होता है कि वो इस कमरे में बिल्कुल अकेला नहीं, उसके साथ कोई और भी है। कहानी में आगे क्या होता है अभिमन्यु के साथ और क्या मिस्ट्रीज खुलती है ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई करना होगा। एक वेल मेड मूवी है जिसमें आपको बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 404 एरर नॉट फाउंड के नाम से यह फिल्म आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सकेगी। और हमारी आज की इस वीडियो के काउंटडाउन में नंबर 6 पर रहने वाली फिल्म है चोर निकल के भागा। इस फिल्म के लीड कास्ट में यामी गौतम और सनी कोशाल शामिल होते हैं और हिंदी लैंग्वेज की यह मूवी 24 मार्च 2023 को रिलीज हुई और ये एक हाई क्राइम थ्रिल मूवी है जिसे IMDb 10 में से 7.3 स्टार दिए गए हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी में हमें एक बंदा दिखाया गया है जिसकी रोमांटिक लव स्टोरी चल रही होती है, लेकिन उसी वक्त लड़की को पता चलता है कि लड़के पर बहुत बड़ा लोन भी है और जिस बंदे ने लोन दिया है वो उसे की भी दे रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों प्लान करते हैं एक बहुत बड़ी चोरी करने का। ये लोग प्लेन में जहाज में पहुंच जाते हैं, वो इस जहाज में एक हीरा चुराने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये जहाज यानी ये प्लेन हाईजेक हो जाता है। अब आगे ये लोग क्या करते हैं और कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई करना होगा। एक वेल मेड मूवी है जिसमें आपको हाई क्राइम थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो चोर निकल के भागा नाम से यह फिल्म ऑफिशियली आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल सकेगी। और अगर आप YouTube पर भी सेम नाम से सर्च करेंगे तो बिल्कुल फ्री में यह फिल्म आपको देखने को मिल सकेगी। और हमारे आज की वीडियो के काउंटडाउन में नंबर 5 पर रहने वाली फिल्म है फ्रीडी। इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्या और अल्लाया फर्नीचर वाला शामिल हैं और हिंदी लैंग्वेज की मूवी 2 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई और ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिल मूवी है जिसे IMDb 10 में से 7.4 स्टार दिए गए हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस फिल्म की कहानी के अंदर एक डेंटिस्ट होता है, बिल्कुल सीधी साधी नेचर का इंसान जो कि ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता। एक दिन उसकी क्लिनिक पर एक पेशेंट आती है जो कि एक लड़की होती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी
कहानी का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि लड़की शादीशुदा होती है तो उसका अफेयर उसके साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर कहानी में इंटरेस्टिंग पहलू ये आता है कि जब उसे पता चलता है कि उसका शौहर उस लड़की को मारता भी है, तो फ्रूडी उसके साथ आगे क्या करता है, ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई करना होगा। फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं जो कि आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगे। एक वेल मेड मूवी है जिसमें आपको बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिल क्राइम एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस फिल्म में आपको कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में अपनी लाइफ की बेहतरीन एक्टिंग की है। और अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्रीडी नाम से देखने को मिल सकेगी। और अगर आप यूट्यूब पर भी फ्रीडी सर्च करेंगे तो बिल्कुल फ्री में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकेगी। और हमारे आज की वीडियो के काउंटडाउन में नंबर 4 पर फिल्म का नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग। इस फिल्म के लीड कास्ट में राजकुमार राव, हुमा कुरैशी और राधिका आप्टे शामिल होते हैं। और हिंदी लैंग्वेज की मूवी 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई और ये एक कॉमेडी क्राइम मर्डर मिस्ट्री फिल्म हुई है जिसे IMDb 10 में से 7.4 स्टार दिए गए हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी में एक रोबोटिक कंपनी के एग्जीक्यूटिव का अफेयर चल रहा होता है ऑफिस की एक बंदी के साथ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी ऑफिस की लड़की मोनिका प्रेग्नेंट है और वो उसे धमकी देती है कि इस बच्चे का पिता वो है। ये जिसकी शादी होने वाली होती है उसे पता चलता है कि ये धमकी सिर्फ उसे नहीं बल्कि 2-3 और लोगों को भी मोनिका ने दी हुई होती है। तो आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई करना होगा। एक वेल मेड मूवी है जिसमें आपको बेहतरीन सस्पेंस क्राइम मर्डर थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मोनिका ओ माय डार्लिंग के नाम से ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर ऑब्वियसली आपको देखने को मिल सकेगी। और अगर आप यूट्यूब पर भी सेम नाम से सर्च करेंगे तो YouTube पर यह फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सकेगी। और हमारी आज की वीडियो के काउंटडाउन में नंबर 3 पर रहने वाली फिल्म का नाम है तलवार। इस फिल्म की लीड कास्ट में इरफान खान, नीरज कभी और कौन कौन नसीन शर्मा शामिल होते हैं। और हिंदी लैंग्वेज की मूवी 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई थी और ये एक मर्डर क्राइम थ्रिल ड्रामा मूवी है जिसे IMDb 10 में से 8.1 स्टार दिए गए हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इस फिल्म में ओरिसी तलवार नाम की एक बच्ची का मर्डर हो जाता है और इस मूवी में इसी मर्डर इवेंट को बेस बनाकर फिल्म को बनाया गया है। एक हाईली रिकमेंडेड मूवी है, इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस फिल्म में आपको बेहतरीन मर्डर क्राइम मिस्ट्री थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक रियल स्टोरी पर बनने वाली मूवी है तो एक बेहतरीन वेल मेड मूवी है, आपको इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो तलवार नाम से ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ऑफिशियली देखने को मिल सकेगी। और अगर आप यूट्यूब पर भी तलवार सर्च करेंगे तो बिल्कुल फ्री में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकेगी। और अगर हमारी आज की इस वीडियो का काउंटडाउन में सेकंड नंबर पर रहने वाली फिल्म का नाम है तुम्बाड़। इस फिल्म की लीड कास्ट में शोम शाह, हर्ष और ज्योति शामिल हैं। हिंदी लैंग्वेज की यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई और ये हॉरर मिस्ट्री फिल्म हुई है जिसे IMDb 10 में से 8.2 स्टार दिए गए हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी की कहानी राव नाम के एक शख्स के गिर्द घूमती है जिसको बचपन में पता चलता है कि जिस घर में वो रहता है उसके नीचे खजाना है। जब वो बड़ा होता है तो वो उस खजाने को लेने के लिए जाता है तो वो थोड़ा सा खजाना लेकर आता है, खर्च कर देता है, फिर जाता है, फिर थोड़ा खजाना लाता है और खर्च कर देता है। आखिर वो सभी खजाना एक साथ क्यों नहीं लाता और इस खजाने के पीछे का राज क्या है, ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई करना होगा। एक बेहतरीन मूवी है जिसमें आपको बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो तुम्बाड़ नाम से ये फिल्म आपको ऑफिशियली प्राइम वीडियो पर देखने को मिल सकेगी। और अगर आप यूट्यूब पर भी तुम्बाड़ सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर ये फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सकेगी। और हमारे आज की इस वीडियो के काउंटडाउन में नंबर 1 पर रहने वाली फिल्म का नाम है अंधाधुन। इस फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, तबू, राधिका आप्टे और अनिल धवन शामिल होते हैं। हिंदी लैंग्वेज की मूवी 5 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई और ये एक ब्लैक कॉमेडी मर्डर क्राइम थ्रिल मूवी है जिसे IMDb 10 में से 8.2 स्टार दिए गए हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी में आयुष्मान खुराना ने एक ब्लाइंड आदमी का कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन रियल में ये ब्लाइंड नहीं होता। वो लोगों की सिंपैथी पाने के चक्कर में अंधे होने की एक्टिंग कर रहा होता है और इसी एक्टिंग के करते करते एक दिन वो एक क्राइम सीन में फंस जाता है। और आगे क्या होता है इस मूवी में कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई करना होगा। एक वेल मेड मूवी है जिसमें आपको बेहतरीन सस्पेंस, ब्लैक कॉमेडी और मर्डर क्राइम थ्रिल भी इस फिल्म में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अंधाधुन नाम से ये फिल्म आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सकेगी। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल में साइंस स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।